मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की यौगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और नाविक मंडल जी आपका माइक हाँ अनम्यूट हो रहा है, इसको म्यूट करें। नाविक मंडल जी गुरु भाई, शायद मैं गुरुदेव के इस मिशन के अंतर्गत ये जो आयोज्य हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है और लगभग आज 153वां एपिसोड या 52वां एपिसोड है। 2-3 दिन पहले हमने 151वां एपिसोड एक बहुत अच्छे तरीके से मनाया और अब हम गुरुदेव के इस मिशन के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं वह केवल गुरुदेव के जो मिशन है, जिन गुरुदेव ने कहा है कि मैं वैदिक दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ, मेरे माध्यम से ये हो रहा है, तो उसी में हम सहयोगार्थ गुरुदेव की प्रेरणा के अनुसार, दादा गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिससे कि नए नए गुरु भाई बहन इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने जीवन को, अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है भोग और मोक्ष, दोनों चीजें हम इस साधना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो देव के चरणों में पूर्णतः समर्पित और निवेदन करके मैं आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे, अपने विचार, अपने अनुभव रखना चाहे, अनुभूतियां रखना चाहे, तो सादर आमंत्रित है। चौथमल जी गुरु भाई, अपने बीच में पुरोहित जी गुरु भाई जुड़े, एस पुरोहित जी नाम से उनको बुला लीजिए एक बार जी। एस पुरोहित जी गुरु भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए, स्वागत है और मंच पर अपनी बात रखिए। एस पुरोहित जी गुरु भाई। चौथमल भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की हमारी जो ट्विटर का एक्टिविटी भी रहा उसकी एक मैं क्विक अपडेट दे देता हूँ। बिल्कुल, उसकी ब्रीफ आप जब तक वो आ जाएंगे हो सकता है आप सुन लें। बिल्कुल, तो मैं अभी बस अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि कैसा आज हमारा आज का रहा परफॉर्मेंस। तो आज का हमारा जो हैशटैग था, आप सबको दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन अगर आने लगी है तो बताइएगा। जी आ गई है, स्क्रीन आ गई है। आज हमने रखा था गुरुदेव की थीम पे बेस्ड, गुरुदेव सियाग सिद्धि होगा GSSY_the complete yoga। उसकी जो आज परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि थोड़ा सा एक वो हुआ था कि वो पहले बिना हैशटैग के शेयरिंग होगी थी, फिर हैशटैग हुआ तो कुछ लोगों ने वो बिना हैशटैग के भी पोस्ट किया है, बट अभी भी हम देखें तो हमारे 10.9 के रिजल्ट्स रहे, एंगेजमेंट इतना रहा है और टोटल पोटेंशियल रीच 4 मिलियन, मतलब 40 लाख लोगों तक की इसकी पोटेंशियल रीच रही है। आप देखें तो ये 5 बजे का स्टेटस है, कितने लोगों के हमारे ट्वीट हुए, उसके बाद भी अभी चल रहा है उसके बाद। और ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स 500 से ज़्यादा हैं उनके यहाँ नेम्स आते हैं, और अभी तक 86 लोग हैं जिन्होंने इस हैशटैग को यूज़ करके ट्विटर पर पोस्ट की हैं, रीट्वीट किया है या ट्वीट किया है, उन सब का यहाँ पे काउंट दिखा रहा है अभी तक। तो हमें सबको एज अ टीम इसको और ज़्यादा जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाना है, और ये मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कि किसने कितने आज पोस्ट किए हैं, वो यहाँ पे बताता है ये। तो दिलीप गुप्ता जी हैं, ललित भाई हैं, अजय जी हैं, इंगू भाई हैं, सब लोगों ने काफ़ी अच्छे वो किए हैं, उनकी रीच भी इतने इतने लोगों तक पहुँची है, जैसे 20 लाख लोगों तक तो इंगू भाई के ही हैं। पर यहाँ सब लोगों के नाम नहीं आते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स के नाम हैं, बट अच्छी बात यह है कि सभी को हम यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी अपने 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 फॉलोअर्स बढ़ाते जाएं। और ये डेमोग्राफिक्स ये बताता है कि से मेल एंड फीमेल में कितने गुरु भाई गुरु बहनों का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, ऑलमोस्ट 20-80 का रेशियो रहा है। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ा, वेल्श, टर्किश, डच, इंडोनेशियन, मैं अपना स्टेटस भेजूँगा सब लोगों को इसका, बट यहाँ मीटिंग में क्विकली दिखा रहे हैं।
और मैप में भी वर्ल्ड वाइड कहाँ तक रीच गई है, किस कंट्री में हमने अपने इनको टच किया है, तो इंडिया और यूएस के अलावा इंडोनेशिया, नेपाल और टर्की में भी अपने इनकी रीच रही है इस बार। और ये वाले वो हैं जिसमें जो इन्फ्लुएंसर भी नहीं हैं बट जिनके टॉप एंगेजमेंट रहे हैं, जैसे एक रजनी बहन हैं हमारी, तो उनको अराउंड 58 मेंशन रहे हैं, तो उनकी भी पोस्ट काफ़ी लोगों ने लाइक और रिट्वीट की है। देन आशा जी हैं, देन संजोय बनर्जी हैं, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये एंगेजमेंट के ऑर्डर में है। संजोय बनर्जी गुरु भाई हैं, गोपाल भाई जी हैं, इन सब के काफ़ी अच्छे अच्छे मेंशन रहे हैं, रीट्वीट एंड लाइक्स रहे हैं। सुमन जी गुरु बहन हैं, और ये हमारे शिव गुरु भाई हैं, तो इस तरह से बुद्धि प्रकाश जी के हैं, तो इनके भी 48 मेंशन। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई बार वो रिपोर्ट्स में, क्योंकि ये सारा नहीं दिखाना हो पाता। रवीना जी गुरु बहन की काफ़ी सारे मेंशन हुए हैं, रत्ना जी हैं, ललित मीणा जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, इन सब के काफ़ी अच्छे अच्छे ट्वीट आए हैं और लोगों ने उसको लाइक एंड रिट्वीट किया है, और उनके सारे फॉलोअर्स तक ये मैसेज पहुँचे हैं। तापस कुमार दत्ता जी हैं, इनकी भी काफ़ी ट्वीट्स आते हैं और ये बहुत अच्छे रेगुलर बेसिस पे डेली ट्वीट्स करते हैं, ललित मीणा जी, दिलीप गुप्ता जी, तो ये सब मोनिका भाटी जी हैं, तो इनके काफ़ी अच्छे ट्वीट्स हुए हैं बहुत अर्ली हाफ में, 5 से 6 के बीच में इन्होंने ट्वीट्स किए हैं। तो सबसे ये है कि हम कोशिश ये करते हैं जिन जिन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है उनको ज़रूर हम एक्नोलेज करें। श्रवण मालवीय जी हैं, तो ये सबके, बसव राजू जी हैं, सुनीता मेहरा जी हैं, सबने गुरुदेव के ट्वीट्स किए और उनको काफ़ी अच्छे लाइक्स एंड रिट्वीट्स मिले हैं। कुमुद गौतम जी हैं गुरु बहन, तो ये आज की समरी है, इसको मैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा क्या रहा है। बट ये पूरा क्रांति चौधरी जी हैं, इनके भी काफ़ी ट्वीट्स एंड रिट्वीट्स आए हैं, रिम्पल जी हैं, राइट, तो मैं सबको शेयर कर दूंगा क्या हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, और आगे भी हम इसको थ्रू आउट द वीक यही हैशटैग चलाएं और ट्वीट रिट्वीट करते रहें, लाइक करते रहें, और जितना हो सके हम कुछ लोग एक स्पेसेस के बारे में भी एक सेशन लेंगे, बट अभी हम अपने इसके जो मेन मोटिव है उस पर आ जाते हैं। बट एक ट्विटर पे स्पेसेस करके होता है, उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं गुरुदेव के प्रचार के लिए, इसका स्पेसिफिक सेशन रखेंगे। हमने कल काफ़ी अच्छे से स्पेसेस को यूटिलाइज किया था, तो उसके बारे में भी सबको जानकारी देंगे। अगर इस पुरोहित जी गुरु भाई आ गए हैं चौथमल जी, तो अब आप को ले सकते हैं शेयरिंग में। जी गुरु भाई, रवि गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपका। आपने ये पूरी ब्रीफ बताई और सब अपने यथा योग्य जितना समय दे सकते हैं गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के प्रोग्राम के लिए और गुरुदेव के मिशन के लिए हम अपने सहभागी बन सकते हैं, प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा है कि अपने भौतिक जीवन और अपने परिवार के कार्यों के बाद जब भी समय मिलता है या जो भी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार गुरुदेव के मिशन का कर सकता है तो सब करें, मेरा तो यही कहना है। और इसमें किसी का ज्यादा या कम से भी कोई ऐसा नहीं है, जिसका जितना श्रद्धा जितना समय जैसा मिले गुरुदेव के प्रति, जो है जिनका जितना अधिक प्रेम और जितनी अधिक अच्छा अंदर से प्रेरणा मिलती है, निश्चित रूप से सभी करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है ये, अभी इंटरनेट का जो जमाना है, जिसको गुरुदेव ने कहा है कि मेरी आवाज तो अब आकाश में चली गई, तो निश्चित रूप से हम उसमें सहभागी हैं और सभी करें, नए लोगों को भी जोड़ें और एक दूसरे को कॉपरेट भी हम लोग करें। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु भाई पुरोहित जी, अगर हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वे मंच पर आए और अपनी बातें रखें, अपने अनुभूतियां जो है शेयर करें। पुरोहित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ नेक्स्ट पुरोहित जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज, उस पर एक माइक का बटन होगा उस पर क्लिक करके। कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें अपना। अब इसमें 3-4 जो सिंबल दे रखे हैं कैमरे का है, जैसे वीडियोग्राफी जो कैमरा होता है उसका आकार है, उसको उस पर क्लिक करें, और माइक का है बोलने का है तो उस पर क्लिक करें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो एस प्रोहित जी गुरु भाई, तो
ऐसा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से रामलाल भाई आप उनसे एक बार कनेक्ट कर लें मोबाइल पे, और जब तक अगर कोई गुरु भाई हैं जो कुछ शेयरिंग करना चाहता है जिस भी तरह की, वो अभी कंटिन्यू कर लें। बिल्कुल आमंत्रित है। कोई भी गुरु भाई अपनी बात रखना चाहते हैं। नाविक मंडल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपने पहले माइक अनम्यूट किया था, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप भी ये बताएं। गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत हम क्या किस तरह से प्रचार प्रसार करें, मैं अपनी बात अपनी एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन ये बता सकते हैं कि हम जो है कोई पहली बार किसी व्यक्ति से मिले और अपनी बात गुरुदेव के मिशन के संबंध में कहना चाहें तो शुरुआत कैसे करें। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि कई बार प्रचार के दौरान अपने को अलग 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 अनुभव मिलते हैं तो शुरुआत कैसे करें हम गुरुदेव के बारे में बताने के लिए। ये गुरु भाई मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाह रहा था। बहुत सुंदर प्रश्न आपने रखा है, विषय भी बहुत सुंदर है। अक्सर सामान्यतः हमारे मन में एक शंका रहती है सभी की कि सामने वाला हमको क्या बोलेगा। तो सामान्यतः जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो सामान्यतः हमारा जो एक अभिवादन का तरीका होता है, नमस्कार करते हैं, जय गुरुदेव करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनका स्वास्थ्य का हाल चाल पूछते हैं, भाई स्वास्थ्य कैसा है, क्या चल रहा है। समय तो स्वास्थ्य के बारे में जब हम जानकारी करते हैं तो किसी न किसी के कोई न कोई समस्या जीवन में होती ही होती है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से वहां से वो कुछ बोल पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक है पर ऐसा चल रहा है, जीवन में कुछ जीवन में कैसा चल रहा है, तो जीवन के बारे में जरूर बताएगा। एकदम डायरेक्ट ये नहीं कहे कि देखिए ये एक पर्चा है, ये गुरुदेव सिद्धि योग है, तो एकदम से झपक जाता वो सेवा। आज क्या हुआ जी कि मैं एक अनुभव सुनाता हूँ गुरु भाई। तो मैं आज सुबह में क्या हुआ कि श्रीनाथपुरम स्टेडियम में गया, तो ऐसे ही बातें करते 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 चलता रहा था, ऐसे घूमता रहा था। तो वहां पर कुछ डेली योग करते हैं, वहां पर बैठ करके बहुत सारे कुछ बुजुर्ग हैं 5-7 जो डेली अपना आते हैं, वो बैठते हैं, प्राणायाम आसन बन पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो मैं अंदर से गुरुदेव से प्रार्थना किया। उससे पहले एक घटना बड़ी विचित्र घटी कि मैं एक भैया बैठे थे, वो कुछ प्राणायाम कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि और आपका प्राणायाम ठीक चल रहा है? बोला कि हाँ ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो और प्राणायाम के अलावा और सब जीवन में? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको एक योग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कहा हाँ बिल्कुल दीजिए। तो देखिए बड़े सहज भाव से उन्होंने सारी बात बैठ करके सुनी 2 मिनट तक। उसके बाद में क्या कहते हैं मुझे कि इन गुरुदेव से मैं दीक्षित हूँ। जी क्या बात मैंने है। कहा कि तो बहुत है ना। अब मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं? तो बोला कि मैं मेडिकल कॉलेज में सेकंड ग्रेड मेल नर्स हूँ, और मुझे दीक्षा मिली गुरुदेव की, स्वप्न में आकर के गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। मैं गुरुदेव से नहीं मिला, मुझे केवल मात्र स्वप्न में आकर के गुरुदेव ने दीक्षा भी दी और मंत्र भी दिए हैं। क्या और बात यही है। नहीं, मुझे स्वप्न अवस्था में गुरुदेव ने 3 घटना मेरे परिवार के बारे में बताई, वो तीनों अक्सर से 100% सिद्ध हुई है। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा आपने दीक्षा ली है क्या? कि नहीं, मुझे दीक्षा लेने में गया ही नहीं हूँ, दीक्षा की मुझे अंदर ही दीक्षा गुरुदेव देती है। तो क्या बातचीत होती रही पर मैंने कहा कि ध्यान करते कि नहीं, मुझे समय नहीं मिल पाता, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो उनका हो सकता है गुरुदेव अब आपको भौतिक रूप से ये बात विषय रखने के लिए बातचीत करते रहे। तो इस प्रकार से लोग जुड़ जाते हैं। फिर दूसरी घटना ऐसे घटी गुरु भाई की, मैं ऐसे चलते चलते वहां पर 5-7 दिनों से उनको रोज देखता था मैं, कि यो सारे के सारे योगी बन के बैठे हैं, कभी गुरुदेव अवसर देंगे तो इनसे बातचीत करेंगे। तो ऐसे में अचानक उनसे निकला, मैंने कहा सर कैसे हैं आप, बढ़िया योग बढ़िया चल रहा है? बोले हाँ बढ़िया चल रहा है, आइए ना आप। क्या तो मैं उनके पास बैठ गया, उनसे बातचीत किया। ऐसे बातचीत शुरू करी, मैंने कहा आप प्राणायाम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। मैंने कहा कि मैं गुरुदेव सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के दर्शन की जानकारी देने के आपके ऊपर इच्छुक हूँ कि आप योग करते हैं। बोला कि मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, 1995 में गुरुदेव से जुड़ा, बताइए।
फिर उन्होंने कहा कि पर मैं 5 मिनट ही ध्यान करता हूँ बस। सभी तरह के कहा कि नहीं 15 मिनट करिए। इतने में 2-3 और बैठे थे तो वो भी आगे पास में सारे योगाचार्य थे, वो बहुत जो है पतंजलि योग दर्शन सब सब वो शिक्षा प्राप्त करके और सब तैयार है वो। तो मैंने कहा आज ऐसा करिए, आज अच्छा मौका आ गया। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करिए 15 मिनट ध्यान करेंगे। तो बोले कि हाँ आज तो समझ नहीं। मैंने कहा कि करके देख लीजिए, 15 मिनट दे दीजिए। तो 15 मिनट वहीं बैठ के सारे के आ जाए सारे, हम सब यही ध्यान करेंगे। और उन्होंने 15 मिनट वहीं ध्यान किया, जो वो कभी मानते नहीं थे पहले। एक दो बार पहले भी मैं उनको बोला था, तो बोला कि ये कोई जरूरी रामलाल सियाग, हम इसके बारे में नहीं सीखना कुछ, जानते हम सब इसको, ऐसा बोला था। आज वही व्यक्ति बैठ करके 15 मिनट ध्यान कर रहा है और बहुत सारे 4-5 और बैठ के ध्यान कर, बोले कि बहुत अच्छा लगा हमको, हम डेली ध्यान करेंगे। और कल बोले कल सुबह 7 बजे आप आइएगा यहाँ बैठ करके, हमको हम लोग यहाँ पर डेली ध्यान किया करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपना विषय रखें तो उनके जीवन के बारे में एकदम डायरेक्ट ना कोई विषय बताए, जीवन के बारे में जानकारी ले, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले, और वो इच्छुक हो तो निश्चित रूप से आगे बढ़े। नहीं तो अपना पर्चा दे दीजिए, पर्चे से देने से भी काम हो जाएगा, बाद में कभी न कभी जुड़ी जाएगा। तो मेरा ये इतना ऐसा कहना है कि जब हम प्रचार करते हैं तो बहुत सहज भाव से रहना चाहिए और गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव आप जिसको जुड़वाना चाहते हैं उसके पास खड़ा कर दीजिए और बुलवा दीजिए। क्योंकि हम यदि कुछ बोलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन गुरुदेव इससे यदि जुड़ गए अंदर से और गुरुदेव फिर बोलेंगे तो उसको जोड़ लेंगे। इतना मेरा कहना। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत अपनी पहचान होती है और पूर्वाग्रहवश भी हम कई बार नहीं बोल पाते हैं या वो सामने वाला हमको नहीं सुन पाता है, तो कई परिस्थितियां ऐसी बनती है या कई दूसरे गुरु भाइयों से वो प्रभावित रहते हैं और इस तरह का। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हम केवल उन गुरु भाई बहनों को अपन गुरुदेव से प्रार्थना करके अगर कहते हैं प्रचार करने के दौरान, स्टार्टिंग में शुरुआत में हम गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मुझे जो है आप दिशा दें और आप ही मुझे जो है किस तरह से बोलना है क्या है, तो निश्चित रूप से जब हम बोलना शुरू करते हैं तो धारा प्रवाह बोलने शुरू हो जाता है। यानी प्रचार ही नहीं और भी कार्य अगर हम करते हैं तो हमारी स्पीड में काफी गति मिलती है। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर इस बारे में बताना चाहे या एस पुरोहित जी अगर आ गए हों तो वो अपनी बात रखें। पुरोहित जी जुड़े हुए हैं ऊपर, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या समस्या उनके, कोई इश्यू आ रहा होगा कोई ना कोई। चले और भी कोई गुरु भाई बहन दूसरों को बुलाइए। हाँ। कोई और हो तो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से प्रचार कार्य के दौरान हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और गुरुदेव के दर्शन को किस प्रकार से जानकारी हम दें, इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं कोई भी गुरु भाई और कोई भी प्रचार का कार्य कर रहा है अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए, कोई भी हेड रेज करे अपना या माइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके और माइक अनम्यूट करके शुरू कर सकते हैं कि हम प्रचार को किस तरह से गति दें या प्रचार की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये जो है मेरा अकेले का नहीं है, विश्व दर्शन बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें जो है सभी को इसके इसमें निमित्त बनना है। और सभी अपने आप में एक योद्धा है, क्रांतिकारी है। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे सीनियर गुरु भाई हैं या जो जिनके अंदर काफी एनर्जी है वो इस तरह से लगते हैं कि गुरुदेव के आगे योद्धा के रूप में कार्य करते हैं। हम उनसे अपेक्षा करते हैं, उनकी ओर देखते हैं, हम उनके उदाहरण ढूंढते हैं कि वो इसे समझाते हैं, हम भी ऐसा प्रयास करें। तो जो भी गुरु भाई बहन बोलना चाहें कि हम प्रचार में किस तरह से करते हैं शुरू या कहाँ पर कैसे कर सकते हैं तो अपने बात रखें। अच्छा कोई नहीं आ रहे तो रवि गुरु भाई को बुला लीजिए जो स्पेस के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और फिर सेशन को ये एंड करेंगे। मान लो किसी की इच्छा नहीं हो कोई विषय रखने की तो रवि गुरु भाई। हाँ रवि गुरु भाई आमंत्रित है। हाँ जी जय गुरुदेव, मैं सोच भी रहा था और किसी ने हैंड भी रेज किया है। रवि गुरु भाई आ गए, एस पुरोहित जी शायद जुड़ गए हैं तो आमंत्रित है एस पुरोहित। फिर अपन रवि गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव। थोड़ा लाइट का इश्यू आ रहा था। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर आप चाहिए। लाइट का थोड़ा इश्यू आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क आपके आ रहा है प्रॉपर, तो आप तो बोलिए बताइए कैसे हैं। बस ठीक है सर, गुरुदेव की कृपा है। और
से है मुझे थोड़ा सा परिचय, क्योंकि मैं अभी शुरुआत मैंने की है सेशन में आने की, मैं हाँ और सभी को भी पता लग जाएगा आप कहाँ से हैं गुरु भाई। वैसे तो इस जन्म में तो जालौर में जन्म दिया है गुरुदेव ने, और वैसे शिमोगा कर्नाटक में रहता हूँ जी। गुरु भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बाकी अब कहाँ से है ये तो एक रहस्य है जो हम गुरुदेव ने खोला नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक आम आम बात जो है, हम भौतिक रूप से कहाँ रह रहे हैं और पता नहीं फिर भी कहाँ थे। तो गुरु भाई गुरुदेव से आशीर्वाद कब मिला, हम गुरुदेव से कब जुड़े? गुरुदेव से सर इस जन्म में तो गुरुदेव के दर्शन हुए थे 97 में सर। क्या बात है, बहुत 97 में उन्होंने शरण में लिया था। बाकी ऐसा है सर, ये समझाया गुरुदेव ने कि जितने भी गुरु भाई है ना, अपन गुरु भाई बहन सर कई कई जन्मों से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से जी। यानी कि गुरुदेव का और हम सब गुरु भाइयों का जो संबंध है ना, वो तो जन्म जन्मों का, कई जन्मों का है। वो कृष्ण को कहते हैं ना, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि भाई मेरे और तेरे तो कई जन्म हो चुके हैं जी। मैं माया को अपने अधीन करके जन्मता हूँ, इसलिए मुझे स्मरण है और तुझे स्मरण नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं। वही बात गुरुदेव और अपने पर भी अप्लाई होती है। अब पिछले जन्म में जैसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, तो इस जन्म में 6 कक्षा से शुरू हो जाएगी पढ़ाई जी गुरु भाई। पिछले जन्म में अगर 10वीं तक स्वी पास की है, तो इस जन्म में 11वीं से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो सर ये तो जन्म जन्म का नाता है हम सबका और गुरुदेव का सर। और बस एक बात आई थी मन में जो आपके आपके साथ रखना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल रखो। तो मैं कुछ विचार उत्पन्न किए थे गुरुदेव ने, तो विचार ये थे कि गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जब आप मुझे प्रार्थना करके मेरे बारे में जब किसी को बताने लगोगे, तो आप मेरे से जुड़ जाओगे, फिर आप नहीं मैं बोलूंगा। बिल्कुल, ये बड़ी बारीक सी बात है जिस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सर जी। तो जब जैसे की बात प्रचार की आती है, तो जैसे ही हम किसी को अप्रोच करते हैं, तो वो आगे वाले व्यक्ति को अप्रोच करने के पहले पहले गुरुदेव को अप्रोच कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। मन ही मन गुरुदेव का स्मरण करके, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, जैसे मार्गदर्शन करो, वैसे मैं बोलता जाऊंगा, ऐसे गुरुदेव से प्रार्थना करके शुरुआत अगर करते हैं आगे वाले को अप्रोच करने की, तो वो सबसे पावरफुल रहेगा। आप या तो अपना कैमरा ऑफ कर दें, क्योंकि आवाज भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हो सकता है, नेटवर्क का इश्यू हो। कैमरा तो ऑफ कर दें और माइक कनम्यूट रखें और बोलते रहे, क्योंकि आवाज थोड़ी, हाँ आप बोलिए। हाँ तो सर जैसे कि हम आगे वाले को अप्रोच करते हैं, तो पहले अगर गुरुदेव को अप्रोच कर ले मनी मन गुरुदेव का स्मरण करके, और फिर उनको आगे वाले को बताना शुरू करें, तो उसकी एक इफेक्टिवनेस अलग ही रहेगी। और तो इसमें क्या, ये है तो बहुत बारीक बात है, लेकिन अगर गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे ना, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो गुरुदेव हमें समझा देंगे। तो ये एक सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस विषय पर गुरुदेव से प्रार्थना करके मार्गदर्शन प्राप्त करें हम जी गुरु भाई। उसके बाद सर एक निवेदन और था कि जो हमारे जो शब्द है ना, जो भाषा है, हमारे जो शब्द है, वो तो आगे वाले को हमारे मन की बात आगे वाले के मन तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है। बिल्कुल। तो भाषा और शब्दों का प्रभाव से कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो एक माध्यम, जैसे बिजली का तार है, बिजली के तार में उत्पन्न नहीं होती है, वो तो बिजली के प्रवाह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम मात्र है। बिल्कुल। पर जितना ही ज्यादा हमारे अंदर वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी के ज्यादा होंगे जी, उतना ही वो वाइब्रेशंस, वो जो स्पंदन है उस ऊर्जा के, वो हमारे शब्दों के माध्यम से आगे वाले तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। यानी कि हमारी बात का जो प्रभाव है आगे वाले पे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्वयं किस स्तर तक नाम जप या आराधना कर रहे हैं। जी गुरु भाई बिल्कुल सही कह। हम जितने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे, उतना ही हमारी बात का प्रभाव आगे वाले पे ज्यादा पड़ेगा।
ये भी एक बारीक बात है जो गुरुदेव समझा सकते हैं सर। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जब तक हम स्वयं नाम जब ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम उस गंगा में नहीं नहाएंगे, दूसरे को अनुभव नहीं करा सकते। जो शब्द तो है ना, शब्द और भाषा तो एक कैरियर मात्र है, एक वाहक मात्र है। बिल्कुल, उसको हमारे जो मन के अंदर जो स्पंदन होते हैं उस जानकारी के, उस स्पंदन जो वाइब्रेशन होते हैं, उन वाइब्रेशन को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं शब्द और लैंग्वेज भाषा। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, अगर टीचर ने स्वयं खुद को उस सब्जेक्ट के बारे में अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो ही वो बच्चों को समझा पाएंगे, नहीं तो वो एक ऐसे बाई हार्ट करते हैं ना लेसन, वो वाला खेल हो जाता है सर। जी गुरु भाई बिल्कुल। तो इसके बारे में सबसे निवेदन है कि गुरुदेव से प्रार्थना करके हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है। बाकी मैं थोड़ा सा ये भी था, प्रचार प्रसार का तो चल ही रहा है, आप काफी लंबे समय से साधना कर रहे हैं, आपको कोई अनुभूति हो तो शेयर करें, अनुभूति बताएं। अब अनुभूतियों का तो विशेष कोई अनुभव नहीं रहा मेरा, कोई छोटी मोटी दो तीन अनुभूतियां छोड़ के या योगिक क्रियाएं वगैरह या ऐसे कुछ अनुभूतियां वगैरह या ऐसा कुछ विशेष अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि शरीर व्याधि तो थी नहीं। कोई घटना कोई घटना वगैरह तो वैसे जैसे कि कई बार कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो ऐसे तो कई बार गुरुदेव ने बचाया है, वो तो नॉर्मल है, सबके साथ होता ही है जी। बाकी इतना जरूर है कि जब गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और गुरुदेव ने अपने चरण में जब पहली बार लिया था जी। तो जैसे ही प्रोग्राम में गुरुदेव पधारे और जैसे ही गुरुदेव ने इसके बारे में जो सिद्ध योग के बारे में शक्तिपात दीक्षा के बारे में जानकारी देना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो वो एक एक शब्द जैसे जैसे कानों में उतरते गए वैसे वैसे आप समझ लीजिए कि गुरुदेव की कृपा से उस फर्स्ट प्रोग्राम में ही गुरुदेव ने सारे जो डाउट्स थे ना वो क्लियर कर दिए। यानी कि जो बिलीफ है ना वो उसी दिन एकदम सॉलिड कर दी, यानी कोई डाउट नाम की चीज बाद में कभी आई नहीं कभी। यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे और इसका जो मैकेनिज्म है, जो सिद्धियों का जो अपना मैकेनिज्म है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में गुरुदेव ने बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब दिमाग में कुछ है ही नहीं, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है, बस अब तो बस एक ही इच्छा है कि नाम जब चलता रहे और नियमित गुरुदेव का ध्यान होता रहे और गुरुदेव जिस कार्य के लिए बता रहे हैं बस उस कार्य को संपूर्ण होते देखने की एक इच्छा मात्र है बस। जी गुरु भाई बहुत बहुत बढ़िया, यानी हम गुरुदेव के दर्शन से काफी वृद्ध है, काफी बड़ा है। गुरुदेव ने कहा है कि वैदिक दर्शन है और कश्मीरी सेव है, सिद्धांत है, तो बहुत सारा एक बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन जब जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिवेश से, उसकी भाषा से या उसके व्यवहार से अगर अपन शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि इसमें शब्दों का कोई महत्व नहीं है, मेन चीजें मुख्य कि सामने वाले के वाइब्रेशन और हमारे वाइब्रेशन किस तरह के उस समय होते हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान तरह तरह के लोग हमको मिलते हैं। जी बिल्कुल। और भी कुछ आप बताना चाहें तो बस फिलहाल तो इतना ही है, और कोई गुरु भाई बताएंगे फिर कभी गुरुदेव की इच्छा होगी तो कंटिन्यू जुड़े रहिए गुरु भाई, जब भी आप रेगुलर समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चौहान जी ने शायद पूरा नाम नहीं आ पाया। ओम प्रकाश चौहान जी हैं। ओम प्रकाश जी चौहान। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजकुमार जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। हाँ ओम प्रकाश जी चौहान जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखें, अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा तो ऑन कर लिया आपने, माइक अनम्यूट नहीं हुआ जी। जय गुरुदेव। सर बिल्कुल बोलिए। हाँ सर मैं भी है ना सर, मेरा एक जोधपुर में छोटा सा दुकान है। हाँ जी आनंद बैग रिपेयर।
बिल्कुल, मुझे पता है आप पहले भी सेशन में जुड़ चुके गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है और आप कंटिन्यू बने रहते हैं, बहुत आनंद का विषय है। आप बोलिए। तो मेरे दुकान पे करीब करीब एक दिन में करीब 10-15 कस्टमर आते हैं जी, ठीक है। और कई लोग आते हैं ना तो बोलते हैं, यार आप ये गुरु जी की फोटो कैसे लगी हुई है आपकी दुकान पे। तो मैं कहता हूँ, मैं इनका दीक्षित हूँ, ये मेरे गुरुदेव है सर। यार ये आपका बहुत बढ़िया है ये। मैंने कहा बढ़िया है, सब गुरुदेव की कृपा है। तो कभी कभी ऐसे भी मेरे पास ना कस्टमर आते हैं जो परेशान होते हैं, तो मैं उनको अपनी तरफ से गुरुदेव का प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं उनको यही कहता हूँ, देखो ये हमारे गुरुदेव हैं, ये बाबा रामदेव जी तो हठ योग करवाते हैं, और हमारे गुरुदेव जो है ना, वो अगर आप दीक्षित हो जाएंगे और गुरुदेव जो मंत्र देंगे ना आपको, वो मंत्र आप सुबह शाम खाली पेट मानसिक जप करना है। और अगर गुरुदेव कृपा हो गई तो देखो बैठते ही आपको परिणाम मिल जाएगा। तो काफी काफी लोगों को मैं प्रेरित करता हूँ दुकान पे जो भी आते हैं ना, और मेरी दुकान पे गुरुदेव के ही फोटो लगे हुए, और मेरे घर के बाहर में अभी जो 22 तारीख गई, 21 तारीख को गुरुदेव का प्रोग्राम था ना सर जी, उससे 2 दिन पहले मैंने अपने घर के बाहर में 4x2.5 का मैंने बैनर लगाया है पूरे मोहल्ले में, मेरे घर बीचों बीच है जी, गुरुदेव का मैंने फोटो लगा दिया है। जो भी आएगा जाएगा वो गुरुदेव को पड़ेगा और पूछेगा तो हम उनको बताएंगे कि आप वहां जाओ, आश्रम जाओ, या मोबाइल से आप दीक्षित हो जाओ। आप बोलो, सर्च करो गूगल पे, बोलो रामलाल जी सियाक, पूरा विवरण आ जाएगा जी। गुरु भाई सर, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं समझ लो अनपढ़ ही हूँ, लेकिन दुकानदारी में मैंने बहुत धक्के खाए, काफी इंग्लिश वर्ड भी मैं बोल लेता हूँ। आज मेरा एज हो गया है कि 66 एज हो गया है, लेकिन अभी भी मैं धंधे पे जाता हूँ, दोनों बच्चे मेरे दुकान पे हैं। तो एक बार सर है ना, मैं दिल्ली गया था जी गुरु भाई, मैं और मेरे दोनों बच्चे, अब हम जो अटैची रिपेयर करते हैं ना, उनके व्हील है, उनके हैंडल है, उनकी रिपट है, काफी आइटम हम दिल्ली से लेके आते। तो जब मैं दिल्ली जा रहा था ना, तो ट्रेन के अंदर एक लड़की आई थी अपने एक छोटी छोटी बच्ची को लेकर, तो वो बैठी थी। तो मैंने देखा, यार ये अकेली लड़की है और इसके साथ में एक लड़की छोटी है, शायद इसकी लड़की होगी जी। ऐसे करते करते मेरे दोनों बच्चे भी पास में बैठे थे, तो कुछ क्षण के अंदर एक लड़का चढ़ा ट्रेन के डिब्बे में और इधर उधर देखा, और उसके हाथ में, लड़की के हाथ में जो मोबाइल था वो छीन के भग गया और कूद गया ट्रेन से। और ट्रेन की स्पीड नॉर्मल ही थी, ज्यादा तेज नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, तो मेरे से बर्दाश्त हुआ नहीं। तो ना जाने क्या हुआ, जो मैं उसके पीछे कूद गया, उस लड़की का मोबाइल लेने के लिए। अब देखो, अब मोबाइल लेने के लिए कूद गया, तो मैं कुछ देर भागा उसके पीछे, तो वो तो लड़का यंग था जी, मैं उसको कहाँ पकड़ पाता। और उनकी तो ये जो चोट चक्के होते हैं ना दिल्ली में ट्रेनों में जो चढ़ते हैं लोगों के मोबाइल चुराते हैं, वो तो क्षण भर में गायब हो गया। और कुछ देर बाद वो लड़की भी कूद गई थी अपना मोबाइल लेने के लिए। तो कुछ देर बाद देखता हूँ तो उसका पूरा पंजा कट गया ट्रेन से, और मैं भी ट्रेन के नीचे आने वाला ही था जी। और भगवान जाने क्या पता, कुदरत ने किया या हमारे गुरुदेव ने किया, परम पिता ने किया, या कुछ किसने किया, मेरे को पता भी नहीं है।
ट्रेन के पास में जो एक चौकोर जो बंकर टाइप लगा हुआ होता है वहां से मेरे कमर में एक धक्का लगा तो मैं आगे गिर गया। जब तक वो आगे ट्रेन रुकी, बच्चे आए और सब ने कहा क्या हुआ, बच्चे ने कहा पापा तुम क्यों कूदे, तुम्हारी उम्र है क्या कूदने की? मैं कह यार बेटा उम्र तो नहीं है लेकिन वो मेरी बेटी समान थी, ठीक है, और उसका मोबाइल लेके मेरे सामने कोई भाग रहा है तो मेरे से बर्दाश्त हुआ नहीं, मैं कूद गया। मेरे साहब खूनी पे लगी, हाथ पे लगी, खून आ गए, फिर धीरे धीरे ट्रेन में बैठा और वो ट्रेन में लड़की जब आई ना उसने ऐसे हाथ किया था ऐसे, तो ये जो है ना सर पूरा पंजा उसका कटा हुआ और उसकी तुतारे छूट रही है एकदम, जैसे छुट्टी कैसे चल रही है वैसे तुतारे छूट रही। उसके बाद में पुलिस वाले वगैरह आए, पूछा क्या हुआ, हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कोई लड़का आया था पर उसका मोबाइल लेके भाग गया। तो मैंने देखा कि भाई मैं अगर जाना है इनको कुछ कहूंगा तो शायद मेरे को कहेंगे कि आप चलो जी जो भी हमको बताओ, तो मैंने ये बात कह के थोड़ी सी बात की तो मैंने कर दी। फिर साहब मैं दिल्ली गया, सुबह सुबह मार्केट नहीं था, वहां से मैंने डिटोल वगैरह लिए, पट्टी की और बांधे हाथ पे। खूब पापा ने बच्चों ने मेरे को डांटा कि पापा तुमको कूदने की कहाँ जरूरत थी। अरे मैंने कहा बेटा यार कहाँ जरूरत, मैं भी समझता हूँ यार कूदने की कहाँ जरूरत। गुरु भाई अपन कोई भी जीवन में इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से अपन गुरुदेव को श्रेय देते हैं और गुरुदेव का ही आशीर्वाद होता है हमारे ऊपर। जीवन में बहुत सारी ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ हो जाती है तो सर, मैं गुरु भाई मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं चोतमल गोड़ हूँ, गुरुदेव के शिष्य के रूप में नाम तो ये है, वैसे हम गुरुदेव के शिष्य है। गुरु भाई हाँ गुरु भाई हूँ, एक सरकारी सेवा में शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ वैसे तो, बाकी गुरुदेव ही चला रहे हैं सब कुछ। देखिए गौड़ साहब ऐसी बात है ना, आपको ईश्वर ने अच्छी नौकरी दी है, आप समय दे पाते हैं जी गुरु भाई। तो हम तो एक छोटे दुकानदार हैं सर, ठीक है क्या वो ऐसा जो मैं आपको बताऊं गुरु भाई, अगर गुरुदेव ने ये कहा है कि अगर इस साधना से कोई भी व्यक्ति जब जुड़ता है तो कोई सी भी परिस्थिति में हो लेकिन भौतिक जीवन जीने के लिए सहारा गुरुदेव अपने आप व्यवस्था करते हैं। आपके जोधपुर का एक उदाहरण है, एक व्यक्ति कोई दुकान वाला था जो कटिंग की काम करता था, कटिंग का नाई की दुकान थी उसकी, और गुरुदेव के लिए सेविंग के लिए कटिंग के लिए कोई उसको लेने के लिए आया तो उसने सहर्ष तैयार हो गया और उसने लेख लिखा था किताब में कि जब से मैं गुरुदेव के पास एक बार भी सेवा में गया और मेरी दुकान बहुत अच्छी चल गई। हम गुरुदेव को श्रेय दें, गुरुदेव को हर काम के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करें और हम ये सोचे कि हम नहीं कर रहे, गुरुदेव कर रहे हैं, गुरुदेव करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे प्रसन्नता आती है और हमें जीवन में बहुत ही आनंद। गुरुदेव ने कहा ये मंत्र में ही वही चीजें कि भोग और मोक्ष दोनों चीजें हैं, बाकी चीज हमारे प्रारब्ध के अनुसार तो हमको भोगना ही पड़ता है। अगर आपके पास कोई अनुभूति ऐसी अच्छी हो या कोई ऐसा जिसके द्वारा आपको कोई नई चीज जो हो तो वो आप बताएं गुरु भाई। अनुभूति तो क्या है सर, मैंने काफी बार रामलाल जी भाई से हमने अनुभूति हमारी दर्शाई है, अभी इन दिनों में कोई अनुभूति हुई नहीं है, इसलिए मैं क्या है कि इसलिए आपके कैमरे भी आया नहीं, मैंने कहा अनुभूति नहीं हुई है तो क्या मतलब, ठीक है अपन ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव बगैर अनुभूति ध्यान करवा रहे तो कर रहे हैं, महीने पड़ते मैं क्या कि आपके सेशन में जुड़ नहीं पाया। वो बात नहीं गुरु भाई, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, अभी अपने अशोक जी मीणा ने हैंड रेज किया है, अपन उनको भी सुनते हैं। आप अपना कैमरा तो ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, लेकिन कंटिन्यू रहिए सेशन में। अशोक जी मीणा कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अशोक जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
और कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। चल रहा है बताइए क्या किस तरह से गुरुदेव से जुड़े और क्या अनुभूतियां रही, किस तरह से आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन आया और किन के माध्यम से जुड़े? चार पांच प्रश्न मैंने आपसे किए, विस्तार से आप बताते जाइए। ठीक है सर, बताता हूँ। पहले तो सर गुरुदेव के बारे में ये कहना चाहूंगा, गुरुदेव का बहुत ही बहुत आभार रहा है हमारे ऊपर। मैं क्या किसी दिन कहीं बाहर घूमने गया हुआ था, तो कोई जगह पे किसी ने बोला कि यार तेरा कोई गुरु नहीं है, जैसे जान तेर के पास गया था पूछने के लिए कोई परिस्थिति से मेरे घर में, तो उसने बोला कि तेरा कोई गुरु नहीं है अभी तक। तो वैसे मैंने हाँ कोई गुरु नहीं है मेरा, तो उसके बाद फिर मैंने कोई सा भी गुरु बना ले, काला गेला कोई भी हो, झूठा भी हो, तो उसी को बना लो। मन की ठीक है बनाएंगे। तो वहां से फिर मैं यहाँ आया तो पवन गुरु भाई, तो इससे मैंने बात की, मुझे पवन ये बात है, तो इसने बताया। फिर वैसे कर तो बहुत दिनों से रहा था गुरुदेव के बारे में, लेकिन मैंने तस्वीर भी देखी थी, तो मैंने ये सोचता था कि कोई इनके गुरु या देवता होंगे कोई, ये बूंदी जाते थे तो मैंने ये सोचा भाई बूंदी के कोई वो इनकी पूजा प्रष्ट करते है ना वो होंगे, तो कभी ये गुरुदेव का ये है, इसको कर तो कर मंत्र जाप और ध्यान करो। तो मन की ठीक है करता हूँ। तो जैसे ही मैं एक दो दिन किया तो कुछ भी ये नहीं हुआ, बॉडी मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ और ध्यान भी नहीं लगा स्पष्ट में। तो जैसे ही दो पांच दिन निकले तो ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट होने लग गया मेरे, तो बॉडी मूवमेंट होने के बावजूद मेरे को भी कुछ लगा कि यार इसमें कुछ है, तो मैं नाम जप और ध्यान और निरंतर किया मैंने। तो मेरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी एक तो पेट दर्द की, पेट दर्द और सिर दर्द की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे को। तो जैसे पेट दर्द में यूं मान के चलो टेबलेट ऊपर तली रखी रहती थी, एक्स्ट्रा रखी रहती थी कहने का मतलब। तो फिर मैंने वो कहा, तो जैसे ही वो गुरु मंत्र करता गया जी, तो यूं मान के चलो जैसे कोई जड़ी बूटी मिलती है ना, इस प्रकार मेरे को आराम मिला। आज इतने दिन हो गया, कम से कम 3 महीने करीब हो गया, पेट दर्द का तो नाम निशान भी नहीं है मेरे, और एक जो सिर दर्द होता है ना इसका भी कुछ भी ये नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी परेशानी थी मेरे को कमर दर्द की जी, कमर दर्द में 10 किलो वजन उठाना भी भारी पड़ गया था मेरे को। तो आज गुरुदेव की कृपा से यूं मान के चलो 60 किलो का कट्टा उठाकर भी ऐसे रख दूं मैं। इतनी गुरुदेव ने इतनी शक्ति दी है, 60 और 70 किलो उठा के ऐसे एक तरफ रख सकता हूं मैं। दुर्भाग्य आपकी बात पे मुझे बात याद आई कि हमारे भी हम लोग ध्यान करते हैं, तो आप करो ना 70 किलो की और इस तरह की, तो ध्यान के बाद जैसे हम उठते हैं ना तो हमें काफी एनर्जी मिलती है। और हम संजीवनी मंत्र, गुरुदेव ने कहा ना संजीवनी मंत्र है, जब हम संजीवनी बूटी का सेवन कर रहे हैं और गुरुदेव ने कहा कि 24 घंटे आप जपते रहिए तो वो बूटी अंदर जाएगी, तो प्रभाव तो लाएगी लाएगी। ये आपका बहाना है कि आप जो इस रोग की वजह से या इस वजह से जुड़े, अब आपका जीवन मैं देख रहा हूँ कि आप आनंदित है, आपका चेहरा प्रफुल्लित है, निश्चित रूप से बहुत कुछ बदलाव है। तो आप तो कंटिन्यू रखिए, बताते जाइए। बहुत ही ज्यादा आराम मिला है गुरुदेव के इस मंत्र जाप और ध्यान से, और साथ ही साथ मेरे शरीर में कुछ गिटाने थी, 25-30 गिटाने थी शरीर में, तो मैंने पवन भैया को भी बताया था, तो पवन भैया ने एक दो बार पहले बोला था कि यार कोई ऑपरेशन करवा ले या फिर कोई जांच करवा इनकी, तो डर वैसे लगता था मेरे को कि गिटाने इतनी इतनी मोटी थी, कोई कैंसर की नहीं बताते, तो सबसे बड़ा डर तो वो था। तो एक डॉक्टर बता दे तो वैसे ही टेंशन में इंसान ज्यादा ही हो जाता है। तो मैंने एक दिन इसके कहने पर जांच तो करवा ली, नॉर्मल आई वैसे गिटाने, तो वाकई में वो जो गिटाने थी गुरु मंत्र और जो ध्यान किया उसके माध्यम से आज शरीर में कम से कम यूं मान के चलो 5-6 गिटाने बची हुई है, वो भी छोटी छोटी हो चुकी है, पहले मोटी थी, खुल के निकलेगी वो, डिसॉल्व हो जाएगी, गिटाने वो अपने आप पिघल जाएगी, एक तरह से पिघल के अपने आप पिघल
निकलने लगी, जैसे अभी ये हाथ है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली, जैसे ये न्यू करते थे ना तो ऑटोमेटिकली दिखाई देती थी, अब कुछ ही दिखाई नहीं देता उसमें, बिल्कुल पानी की तरह पिघल गई ये हाथ होगी। तो अब जांघों पे है थोड़ी बहुत, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और अभी जो ध्यान करता हूँ तो आंखों के माध्यम से आंसू निकलते हैं सर, उसका मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं फोन भी ऐसे भी बात कर रहा था जिस दिन, यार ये कैसी प्रतिक्रिया है गुरुदेव की। अब मेरे को तो ये लगता है मेरे क्या आधा सिर दर्द करता है, तो कुछ वो आंसू के जरिए वो बीमारी बाहर निकल रही है। गुरु भाई आप सेशन से जुड़ेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा, और वैसे तो क्या है गुरुदेव और आप हैं, मंत्र आप जप रहे हैं, शरीर आपका है, गुरुदेव उसके भीतर वो जो चित शक्ति है, वो चित शक्ति जैसे जैसे हम नाम जपते हैं, नाम जपने के दौरान पूरे शरीर की सफाई करती है, शोधन करती है, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें वो मंत्र का स्पंदन जाता है, और उस स्पंदन से जिस तरह हमारे जो एक पाइप में पानी जाता है तो एकदम फड़फड़ा के ठीक होता है ना, वो स्थिति हमारी बॉडी की होती है, अब कहाँ लीकेज है, पानी निकलना ही है, तो वो धीरे धीरे उसको भी ठीक करती है। तो ये बहुत लंबा मामला है, आप तो मतलब यूं करिए कि कंटिन्यू तो ध्यान करते रहिए, नाम जप करते रहिए, और दृष्टाभाव से देखते रहिए, आनंद जो कहने का है वो आप सुनाते रहिए, तो बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। आप और भी कोई अनुभव आपके अच्छे हैं बताते जाइए। तो वैसे गुरुदेव का जिस दिन से पवन भैया ने मेरे को बताया था, नाम जप पर ध्यान तो मैंने चालू कर ही दिया था जब से, लेकिन जिस ही दिन से मैंने सोच लिया था भाई अपने को तो आराम मिलना ही है गुरुदेव के आदेश से, और एक चीज सोच ली जो सच्चे गुरु की तलाश थी वो आज यहाँ पे सच्चे गुरु मिल गए, नहीं तो इतना मैं सोचता था, बहुत सोचता था भाई गुरु बनाएंगे लेकिन सच्चा मिले तब, लेकिन यहाँ गुरुदेव ने डोर पकड़नी थी अपनी, तो गुरुदेव ने डोर पकड़ ली अच्छे से, और उस डोर से आज मेरे को इतना आराम आ रहा है बहुत ही ज्यादा, और उसके साथ प्रचार प्रसार भी इतना हो चुका है गांव में, यूं मान के चलो 25-30% सही हो चुके हैं, मस्सा गए 4-5% तो मेरे मोहल्ले में, यूं मान के चलो एक तो अस्थमा की थी वो जो जिस दिन सेशन में आई थी, मामी जी लगते हैं वो हमारे मामी जी लगते हैं, और मेरे टच में एक लड़की है जिसके पेट दर्द से भी प्रॉब्लम थी, और ऊपरी जो अवयव होते हैं ना उनका भी प्रकोप था उसके ऊपर, तो वो रोजाना एक दो दिन में हॉस्पिटल जाते थे, कोई कहाँ जाते थे, कुछ आराम नहीं मिलता था उनको, लेकिन आज ये 1.5 महीने के करीब हो गया वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही और गोलियां भी नहीं खा रही, देख लो आज एकदम परफेक्ट है वो, और सब गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है गुरु भाई, अगर इस तरह का आप लोगों में एनर्जी रहेगी, आप नए हो और आपके आप एक उदाहरण बनेंगे ना गांव में, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और गुरुदेव का मिशन आगे बढ़ता है। एक तो गुरु 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 भाई पवन की स्थिति देखी थी, एक दिन यूं मान के चलो हम लंगोटे यार की तरह रहते थे, जहां पर भी जाते थे ना इसके सांसे फूल जाती थी, बिल्कुल नाता था तब भी ऐसे ही कंडीशन देखते थे, हम भी ये सोचते थे यार इसकी कैसे जिंदगी कटेगी, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, और इसी की स्थिति देखते हुए हमारे को भी गुरुदेव के प्रति और आस्था बढ़ती जा रही है, और इसके माध्यम से जब भी हम बताते हैं तो गांव में जिसको भी हमने फर्स्ट में बताया ना कोई यकीन नहीं करता था, अरे ये तो पागल हो चुके हैं, ये बाबा जी कहाँ से ये करेंगे, ये आसाराम जी की बात लाते थे, कोई किसकी बात लाते थे कि वो ऐसे निकले, अरे मन की ये वो तो जैसे भी निकले जिंदा है, लेकिन यहाँ तो गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया वो काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, तो उसके बावजूद ये चीज। हाँ रघु सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपन देखते हैं ना कि आज के माहौल में हर व्यक्ति भ्रमित है, उसको पता नहीं है, और दूसरी बात दोष उसका भी नहीं है, परिवेश ऐसा हो गया कलयुग का, गुरुदेव ने कहा है कि तामसिकता अब जम गई है इस समय पे, तो हर आदमी भ्रमित है, हर आदमी रिजल्ट चाहता है, और गुरुदेव का एक दर्शन ही ऐसा है जो तुरंत रिजल्ट देता है, गुरुदेव ने कहा कि बैठो 15 मिनट और अभी ध्यान करो, अभी बताता हूँ, गुरु कहते हैं 10 साल लगेंगे, 10 साल 20 साल क्या पता गुरु रहे चेला रहे नहीं रहे, आप तो तुरंत बैठिए, और वो काम गुरुदेव अपने माध्यम से करवा रहे हैं। अब हम जहाँ भी जाते हैं अपन ध्यान करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है
बच्चों का ज्यादा ध्यान लगता है, बुजुर्ग जो है जिनकी एज ज्यादा हो गई, जो लोग काफी भरे हुए हैं, तो उन लोगों में खाली नहीं होने के कारण, क्योंकि जब तक खाली नहीं होगा भरा नहीं जाएगा, इसी स्थितियां बनती है। फिर भी लोगों के प्रभाव से गांव के लोग अगर समझते हैं तो आप प्रचार करें, अच्छी टीम बनाएं, बहुत अच्छा आपका सहयोग रहेगा गुरु भाई। गुरुदेव की कृपा से तो यूं मान के चलो, अभी जो ध्यान मैं करता हूं तो मेरे एक तो 3 साल की बच्ची है, एक 5 साल की बच्ची है, वो भी भाई वो तो क्या है, अभी बच्चे हैं, मुझसे बोलते रहते हैं मंत्र को और ध्यान करते हैं मेरे साथ ही साथ बैठ के। जी गुरु भाई, मैं कहना बीच में अगर बच्चे आपके गांव में भी बच्चे हैं और अपने जो इस लायक हैं जो मोबाइल पे प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, तो प्रत्येक गुरुवार को सुबह 9 बजे अपने कार्यक्रम आता है, आप ग्रुप में देखना, उसमें अपने लिंक दे रखा है, उस लिंक को खोलेंगे तो बच्चों को भी ध्यान कराया जाता है। अपनी गुरु भाई ने रवीना जी जो बैंगलोर में केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका है वहाँ पे, तो वो लेती है सेशन, हम भी बीच बीच में कोई भी ले लेते हैं, बच्चों को ध्यान कराते हैं, बच्चों को बच्चों की भाषा में उनके हिसाब से अपन प्रोग्राम आयोजित करते हैं। तो आप ये भी प्रयास करें कि और भी जो बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं, उनको उत्सुकता है, तो उन बच्चों को उनके स्तर पे अपन करवाते हैं, ये भी आपका प्रयास बहुत बढ़िया रहेगा। ये पवन जी भी ध्यान दे इस बात पे, बोलिए और बताते जाइए। और गुरुदेव की तो इतनी कृपा है, यूं मान के चलो सर, कुछ भी काम हो, HYZ कैसा भी काम हो, आज मेरे थोड़े दिन पहले की बात ही, एक दिन बुखार आ गया था, वो डोज लगवाया था, कोरोना का जो डोज लगते है ना वो लगवाया था, तो बुखार आ गया, मैंने कि एक दिन तो ठीक है भाई आती है वो बुखार, दूसरे दिन तो गुरुदेव से ध्यान में बैठने के बावजूद ध्यान किया गुरुदेव, दूसरे दिन बुखार नहीं आनी चाहिए मेरे को, तो वाकई में वही हुआ चमत्कार। तो गुरुदेव ने यूं मान के चलो जैसे कुछ जड़ी बूटी खिलाई, वैसे बुखार आज दिन तक बुखार नहीं आई, चलो क्या बात है। आज मेरे तो हाथ पैर दर्द करते, कोई भी चीज कोई भी ये होता है, बस गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव 5-10 मिनट के अंदर मिट जाना चाहिए, तो वैसे ही मिटता है, जैसे टेबलेट से भी अपने 5 मिनट में आराम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ गुरुदेव के आशीर्वाद से आराम मिलता है मेरे को। बहुत बढ़िया बात है गुरु भाई, बहुत अच्छा है, इस तरह से अगर हम अपनी आस्था और अपने समर्पण रखेंगे तो निश्चित रूप से होगा। अभी बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई भी एंट्रेंस कर रहे हैं, तो उनको भी सुनते हैं, देखे क्या कह रहे हैं वो। गुरु भाई बुद्धि प्रकाश जी, जय गुरुदेव सर। हाँ जय गुरुदेव सर। अशोक जी से मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। अशोक जी गुरु भाई, मतलब क्या आप जैसे मान लो अपने गांव वगैरह में तो प्रचार वगैरह कर ही रहे हैं, थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए, जिन लोगों को जैसे मान लो आपने जोड़ा है ना, तो उनको भी थोड़ा सा ये बोलिए कि वो खुद भी अपने अपने उस पर करें, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा प्रचार बढ़ाए, और जिनको फायदा हुआ है ना उनको सेशन से जोड़े, मतलब आप वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे अगर कोई मान लो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है तो वो कोई समस्या नहीं है, मतलब वो कैमरा ऑफ करके भी बोल सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन से भी जोड़े और प्रचार का भी थोड़ा सा दायरा बढ़ाए गुरु भाई, यही मेरी अनुरोध है आपसे, है ना। जय गुरुदेव। प्रचार तो गुरु भाई मान के चलो, प्रचार तो बहुत बहुत दूर जहाँ तक भी अपनी रिश्तेदारी वहां तक पहुंचा रखा है, ओनली वो सेशन में नहीं आ रहा है, नहीं तो बहुत से जगहों पर जब हमारे आस पास जो रिश्तेदारी आजकल दर्द तो कोई किसी के क्या बीमारी है सभी के हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोई के विश्वास कम आता है। अभी मेरा एक मौसा जी का लड़का है, उसको मैं जब से मैंने ज्वाइन किया है गुरुदेव का सेशन मान के जब से बता रहा हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है यार, डॉक्टर से सही नहीं हो रहा है तो यहाँ से सही होंगे क्या, मन की यार तू विश्वास करके देखो एक बार, गुरुदेव की आस्था है सबसे बड़ी, तो आस्था करोगे तो फल तो मिलना ही है। जब भी इस तरह की बात रखते हैं या अपने जो निकट पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं तो उन लोगों को विश्वास कम होता है, तो हम उस समय गुरुदेव से प्रार्थना करके शुरुआत करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि गुरुदेव ये भी मेरे साथ है या ये है, तो आप मुझे इस तरह की एनर्जी दें कि मैं अपनी बात रख सकूं, तो उस समय गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तो वो बिल्कुल सुनता है बात को। और वैसे क्या है कि जो निकट वाले पड़ोसी है या ऐसे है जो रिश्तेदार है, उनमें प्रभाव धीरे धीरे जब अपने साथ कोई घटना घटती है ना तब जाके होता है, अंदर से तो जाता है, यानी एक बार गुरुदेव का मंत्र या गुरुदेव की बात आपने कहा कर ली बात, तो वो चिट्ठी तो पहुंच गई, अब वो चिट्ठी लिफाफा कब खुलता है ये समय के साथ भी होता है, बिल्कुल लिफाफा ले लिया उसने, लेकिन
क्योंकि गुरुदेव की बात आप रखेंगे वो लिफाफा पहुंच गया उसके पास। अब वो समय के साथ बहुत सारे ऐसे भी गुरु भाई हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, बरसों से जानते हैं, और हम जब बात करते हैं ना तो वो सुनते रहेंगे, लेकिन फिर अनायास ही कभी बोलते हैं कि यार मेरे भी फला रिश्तेदार है, मेरे मिलने वाले हैं, वो ऐसा करते हैं अपने। बहुत सारे लोग हाड़ोती में, तो मैं कह रहा हूँ प्रत्येक गांव तक मैसेज गया हुआ है और सब जगह है। अभी एक उदाहरण और था कि गुरुदेव ने जो है, रामलाल जी जैसा बता रहे थे कि वो जो है, गुरु भाई बता रहे थे कि उनको सपने में जो गुरुदेव ने दीक्षा दी है, गुरुदेव तो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। ये चीज अगर अपने जहन में, अपने दिमाग में हमेशा बैठ जाती है तो अपने अंदर बोलने के लिए भी, गुरुदेव को मिशन को समझाने के लिए भी बहुत कुछ एनर्जी मिलती है गुरु भाई। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रचार करते हैं, आपकी टीम प्रचार करती है, तो गुरुदेव का जो मंत्र है, गुरुदेव का जो स्पीच है, यानी 2000 जब से गुरुदेव ने स्पीच देना शुरू किया उसका कलेक्शन रखो आप, एक तो ऑडियो में रखो उसको, सुनो बार बार, और उसको सुनने से फिर अपने अंदर बोलने की, प्रचार करने की क्षमता डेवलप होती है। यानी गुरुदेव का जो क्षेत्र है, गुरुदेव ने जो बताया है, गुरुदेव का स्पीच ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्रत्येक प्रश्न का जवाब उसमें हमको मिलता है गुरु भाई। जब भी अपन विषम परिस्थिति में हो तो तुरंत वो लाइन आ जाती है अपने आप, गुरुदेव ने ऐसा कहा है। वो बात तो सही है गुरुदेव ने इतनी शक्ति दे दी है, यू मान के चलो कोई भी हो, एक्स वाई जेड सामने, बताने में हिचकिचाते नहीं है अपन, कोई भी नौकरी वाला हो, कोई भी हो, नहीं तो ऐसे तो बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है, लेकिन गुरुदेव जब हम अपनी बात रखते तो ऑटोमेटिकली न जाने कहां से बातें आती है, ऑटोमेटिकली थ्रू बोलते रहते हैं गुरुदेव के बारे में, किसी भी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं करते हैं। एक खास बात, एक और बात थी, जैसे ध्यान करते हैं ना सर, ध्यान के दौरान गुरुदेव पवन गुरु भाई भी बोला था कि यार मेरे को आज्ञा चक्र पे गुरुदेव दिखाई नहीं देते, लेकिन मेरे को जैसे 8-10 दिन ध्यान किया था ना मैंने फर्स्ट में, तभी से आज्ञा चक्र पे जैसे आशीर्वाद देते ना गुरुदेव का, ऐसे आवाज होता है यहाँ आज्ञा चक्र पे। बहुत बहुत बढ़िया, गुरु की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है गुरुदेव की। ये चीज देखकर मेरे को भी बड़ी खुशी होती है, गुरुदेव अपने हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं, तो गुरुदेव की कृपा बहुत ही ज्यादा हो रही है। और एक दो बार मुझे ऐसा हुआ, पवन गुरु भाई और अपन दोनों अंता गए थे सर, तो अपन ने गाड़ी में जैसे पेट्रोल भरवा लिया, 500 रुपए दे दिए, और पेट्रोल पंप वाला किसी का भी सगा नहीं होता, आप भी जानते हो, 500 रुपए पेट्रोल भर, 100 रुपए का भरवाया था, और 400 रुपए भूल गए जल्दबाजी में, वहीं भूल के आ गए और किसी दोस्त की दुकान 3-4 घंटे रुक गए वहीं पे, और वापस आने के बावजूद पानी पूरी खाने लग गए पवन भैया। हम पानी पूरी खाने के बावजूद पैसे दिए ना, तो पैसे देते वक्त पर्स देखा तो यार कुछ पैसे नहीं है छुट्टे, तो कुछ पैसे तो पेट्रोल पंप वाले ने नहीं दिए वापिस। मन के यार पवन गुरु भाई, गुरुदेव ही जाने, गुरुदेव के दो आशीर्वाद के, गुरुदेव ही जाने, अब तो अगर ऐसे नहीं देंगे तो पंगा करके लेना पड़ेगा, लेकिन लेंगे कैसे भी, लेकिन कुछ गुरुदेव आप ही जानो, पंगा भी नहीं होना चाहिए, काम भी होना जाना चाहिए। तो जैसे हम गए, तो जैसे गुरुदेव ने पहले से ही उसको समझा रखा हो, हमने जाकर पेट्रोल पंप वाले से बोला कुछ, यार भैया हमारे पैसे हाँ रखे हैं आपके 400 रुपए ये लोग, मैंने फोन से कहा कुछ यार देख, गुरुदेव ने ऐसे समझा के रखा है जैसे जाते ही उसके पैसे दे देना। मेरे को बहुत ही बड़ी खुशी हुई कुछ यार, गुरुदेव की इतनी कृपा है। कोई भी आज कोई भी काम सोचता हूँ सर, तो गुरुदेव का नाम लेके ये काम होना चाहिए तो होता है, गुरुदेव का इतना तो आशीर्वाद आ चुका है, और प्रचार प्रसार में तो हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, गुरुदेव का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आपको देते रहेंगे, और आप निश्चित रूप से जो है ना बहुत अच्छा गुरुदेव के मिशन में सहयोग करेंगे। अभी आज अपने सेशन का समय लगभग निकट है, तो हम आपको कंटिन्यू रखेंगे, जब भी आप सेशन से जुड़ेंगे अपना हैंड रेज करके अपनी बात रखेंगे। मैं सेशन का लगभग टाइम हो गया, मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि इस सत्र को, सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखें, और हिंगू जी गुरु भाई जय गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। दीपक भाई की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।